हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम हमारे किचन में एक स्पेशल सब्जी बनाते हैं। रखिया की बड़ी की सब्जी, ये छत्तीसगढ़ की फेमस सब्जी है। छत्तीसगढ़ में हर किसी के घर में ये बड़ी बनाया जाता है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। चलिए फ्रेंड, आज मैं आप लोग को एक स्पेशल सब्जी बता रही हूँ। अगर आपके घर में सब्जियाँ नहीं हैं तो हम लोग के घर में ये जो बड़ी रहता है यही काम आता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रखिया की बड़ी की सब्जी। ये मैंने गर्मियों के मौसम में बनाया था। देखिए, ये इसका साइज़ इतना ही है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके साथ मैं ले रही हूँ ये 4 से 5 आलू, 3 प्याज और 2 टमाटर। चलिए हम लोग ये बड़ी बनाएंगे। इसको सबसे पहले कि मैंने कुकर लिया, कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको एकदम रेड होने तक फ्राई नहीं करना है, हल्का सा बस इसमें तेल पड़ना चाहिए, मतलब कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें। ये बड़ी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है पकने के बाद। देखिए चारों तरफ से ये ऑयल मिल चुका है इसमें। इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची। मिक्स कर देते हैं इसे। उसके बाद इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। देखिए पानी मैंने इतना ही लिया है कुकर में, कम से कम देखिए इतना बचा हुआ है, इतना लिया है पानी। चलिए इसको बॉईल होने देते हैं हम लोग। इसको 3 सीटी जैसे लगेगा वैसे ही बंद कर देंगे कुकर। तब चलिए हम लोग आलू प्याज ये सबको कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने आलू कट कर लिए हैं, ये मीडियम साइज़ में कट करी हूँ, एकदम ज़्यादा पतला और मोटा भी नहीं है। कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें सरसों का तेल ली हूँ। चलिए हम लोग अपने आलू को फ्राई करते हैं। इसको हम लोग हल्का लाल होते तक फ्राई करेंगे। देखिए आलू हमारा अच्छे से तल गए, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिए हैं बड़े बड़े साइज़ में, ये इतना मैं लहसुन ले रही हूँ, इसको छील लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ली हूँ मैं, देख सकते हैं। खड़े मसाले हैं जिसमें दालचीनी है और जो पैकेट में आता है मसाले उसमें से कुछ मसाले ली हूँ मैं। जीरा सब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अच्छा टमाटर जल्दी से गल जाता है, एकदम गलाना नहीं है, फिर भी हल्का सा पकाना है। इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देते हैं। दो मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। चलिए बॉईल हो गया है, अब हम लोग इसको जार में निकालते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ये हम लोग कढ़ाई में ऑयल डाल देते हैं, ये मैंने सरसों का तेल लिया है। ये तेल हमारा गर्म हो गया, हल्का सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं। ये हमारा ये मसाला पीस किया है, चलिए इसको हम लोग डालते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा धनिया पाउडर। देखिए कुकर हमने चढ़ाया था, इसमें बड़ी पका रहे थे, बड़ी पक गया है। चलिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, इसमें मैं आलू को डाल दूंगी, जो आलू मैंने तल के निकाले थे। अब ये जो बड़ी हम लोग पकाए हैं इसको इसके पानी के से नीचे डाल देंगे। जो हमने मसाला पीसा था उसमें
पानी डाल देंगे। ये छोटा सा मग है, उसमें एक मग पानी डाली हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग, उसका इसी पानी को घोल के हम लोग डाल देंगे। ये इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। चलिए बड़ी की सब्ज़ी को हम एक दो बार बॉयल ऑन के तक पकाते हैं, ढक के रख देते हैं। चलिए बड़ी की सब्ज़ी हमारी हो गई है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए बड़ी आलू की सब्ज़ी बहुत ही इजी है। ये रखिया बड़ी है, ये गर्मियों के मौसम में बना के रखा जाता है। रखिया आप जानते ही होंगे, ये बड़ा सा एक फल आता है। रखिया की मिठाई भी बनती है और इसकी मैंने बड़ी बनाई है, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।